सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया। धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम है। अगर आपको एनीमिया है माने खून की कमी है तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पियो। और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आता है थायराइडिज्म। अगर हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या हाइपो थायराइडिज्म है, घटा हुआ है, दोनों ही स्थिति में सूखे धनिये को पानी में डालो, पानी को उबालो और सवेरे सवेरे घूट घूट पियो तो लगभग 20-25 दिन में सब तरह का थायराइड खत्म कर देता है सूखा धनिया। ऐसे ही आपके घर में एक बहुत अच्छी दवा है काला नमक और सेंधा नमक। आपको तो मेरी विनती है कि आप घर का नमक बदल दो अपना, पहले तो ये पिसा हुआ तो लाना बंद कर दो। आप या तो सेंधा नमक लाओ नहीं तो काला, और वो डेले वाला लाओ। और सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। दाल बनने के बाद नमक डाला तो जहर जैसा काम करता है। और एक परंपरा बंद कर दो ऊपर से नमक डाल के खाने की। अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो कम नमक का ही खा लो, ये ऊपर से डाल के खतरनाक है। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो जिसने बनाया है खाना उसका अपमान कर रहे हैं आप, उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो तुमने नमक बराबर नहीं डाला है। भले आप बोले या ना बोले उसको ये हर्ज तो करने ही वाला है, तो उसका अपमान कर रहे हैं और अपने शरीर का भी नाश कर रहे हैं। तो ऊपर से नमक डाल के तो खाना बिल्कुल बंद कर, थाली में नमक रख के बैठना, नमक जितना डालना है सब्जी बनते समय माने उबलना चाहिए, नमक डलने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए। ऐसे ये बुरक के खाना ये तो बहुत खराब, जैसे हम सलाद पे कई बार नमक बुरक के खाते हैं, ये बंद कर दो। अगर कोई मजबूरी ही है, बुरक नहीं है, तो वो काला नमक थोड़ा बुरक लो और ये सफेद वाला तो बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों से आप बहुत इलाज कर सकते हैं, नमक बदल दो आपकी बहुत बीमारी चली जाए। और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि आपके घर में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको दुनिया भर के लोगों ने आज मान्यता दे दी है, उसमें से एक है तुलसी। अगर तुलसी आपके घर में है, श्याम तुलसी घर में है जिसके पत्ते गहरे हरे होते हैं, तो आपके घर में सब बीमारियों का इलाज है। इस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के जो भी पी लेगा उसको कभी चिकनगुनिया हो नहीं सकता, ये गारंटी मैं देता हूँ। और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद जो सब शिकायतें हो रही है ना, अभी दर्द नहीं जा रहा है, कमजोरी नहीं जा रही है, एक ही दिन तुलसी का काढ़ा पी लो तो सब चला जाए। तुलसी जो है ना एंटी पायरेटिक है, माने बुखार से होने वाली तकलीफों की सबसे अच्छी दवा है तुलसी। कभी भी बुखार आ जाए तुलसी का काढ़ा कभी भी दो, भूलो ही मत। ज्यादा तेज बुखार हो तो तुलसी के काढ़े में अदरक का रस मिलाओ, नहीं तो सौंठ का पाउडर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो इसमें पीपर मिलाओ, छोटी पीपर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो नीम की गिलोय मिला लो या नीम के पेड़ की छाल का पाउडर मिला लो। कितना भी तेज बुखार खत्म होता है, लेकिन मेन है इसका तुलसी, बेस है तुलसी। होम्योपैथी में दवाएं तुलसी से बहुत है, आयुर्वेद में तो अद्भुत दवाएं हैं। इसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने घर में करिए, जैसे जैसे कर सकते हैं। आप में से कई लोग आश्चर्य करेंगे, मैंने स्किन डिसीज तुलसी से ठीक किए, त्वचा के रोग सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, 20-20 साल पुरानी बीमारियां त्वचा की तुलसी के रस से ठीक होती, अद्भुत है तुलसी। आप रखो इसको घर में बना। और ऐसी तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पुदीना, वो भी बने तो गमले में कर लो घर। और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है एलोवेरा, ग्वारपाठा जरूर रखो अपने घर। ग्वारपाठे का रस अद्भुत काम कर, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वारपाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर दे, विद इन 3 सेकंड। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम कर। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वारपाठा बिल्कुल ठीक कर देता, कंप्लीट क्योर कर। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो तो ग्वारपाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, ग्वारपाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वारपाठा सप्ताह में एक दिन लगाते ही रहो रस के रूप में, अद्भुत काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वारपाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती है, एक एक चम्मच ग्वारपाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद। गर्मियों में घमौरियां बहुत हो जाती हैं तो ग्वारपाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर सीचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं, उनको बोलो कि ग्वारपाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारे रसोई में हैं, 108, और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है।
कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी माँ बहन को कभी नहीं खिला सकते। ऐसी दवाएं आपको खिला देते, जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके ढूंढने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।